नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने दोस्तों को ऑटोग्राफ दूंगा। इसकी आदत बना लो बलविंदर, अगर तुम ऐसे ही खेलते रहोगे। बलविंदर, वो बहुत बढ़िया मैच था और तुम्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। हाँ, काश मैं तुम्हारी तरह बैटिंग कर सकता। मैं अभी लाता हूँ। मुझे आशा है कि तुम यही फॉर्म में रहोगे। अगले हफ्ते किड्स हब का क्रिकेट मैच है। अगले हफ्ते हमें दूसरे किड्स हब के खिलाफ खेलना है। अगर तुम हमारी टीम में हो, हम कैसे हार सकते हैं? अगर तुम ऐसे ही खेलते रहोगे तो तुम जल्द ही अंडर 14 के कप्तान बन जाओगे। थैंक्स भैया। हेलो, अच्छा लगा तुम्हें? मुझे इतना अच्छा लगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हे गाइस, अंडर 14 के टीम के कोच का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें अपने टीम का कप्तान बनाना चाहता है। Today we have Mr. Jonathan Moses in our Kids Hub. He is going to give us few tips on cricket. Welcome, Mr. Jonathan Moses. Please tell us more about yourself. हाँ बलविंदर, मैं professional cricketer हूँ। मैंने 4 साल तक cricket खेला है तमिलनाडु के लिए junior state, और मैंने top league में भी खेला है एक बहुत बड़ी team के लिए जो हमारे देश की बेहतरीन टीमों में से एक है। और मैं बहुत से उन करंट प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेल चुके हैं। What type of practice or training do we have to do? मुझे कम से कम दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। What is the process to play in the state under 19? तुम्हें अपने स्कूल के मैचों में बहुत से रन बनाने पड़ते हैं, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैचों में बहुत रन बनाने पड़ते हैं, और फिर जब तुम बहुत से रन बना लेते हो और बहुत से विकेट्स ले लेते हो तो सिलेक्टर्स आपको स्टेट टीम के लिए चुनते हैं। Could you give us few tips on how to be a good captain? वैसे कैप्टनसी बहुत ही दिलचस्प काम है अगर आप इसे पा सकें। बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपनी टीम की ताकत को जानना और उनकी कमजोरी को भी, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी कि अपने टीममेट्स और अपने प्लेयर्स का इस्तेमाल कर सकें सही तरीके से जहां उनकी जरूरत हो। हमें विरोधियों को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। आपको उनकी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानना पड़ता है। एक कैप्टन के लिए ये जरूरी है कि अपने प्लेयर्स की सर्वोत्तम क्षमता बाहर लाए। जब आप अपने प्लेयर्स के साथ ये करते हैं तो आप सफल कैप्टन कहलाते हैं। बैटिंग में ग्रिप सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप बैट कैसे पकड़ते हैं ये बहुत ही अहम होता है। बस अपना बैट नीचे रखें, नीचे जाइए और बस अपना बैट उठाइए। जब आप अपना बैट सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पर उठा लेते हैं फिर खड़े हो जाइए। बैट पकड़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका है जब आप बॉल का सामना करने को तैयार हैं। जब आप तैयार हैं और खड़े हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप बॉलर पर ध्यान जमाए रखें और देखें कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बैट्समैन हमेशा बॉलर के हाथ से बॉल को देखेगा जब से वो बॉल को फेंकता है। लो और कस के पकड़ो, खड़े रहो और देखो बॉल का फेंके जाना और फिर शॉट खेलो। ये लाइन बॉलर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप बॉल फेंक रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लैंड करें आपको कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करनी। जब आप लाइन क्रॉस करते हैं तो बॉल अवैध हो जाती है। एक बॉलर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो वहां ध्यान केंद्रित करें कि उसे बॉल को कहां पिच करना है। ओके, तो जब आप बॉल फेंकने आते हैं तो ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने टारगेट की तरफ देख रहे हैं, आप कहां बॉल फेंकना चाहते हैं। इससे पहले कि आप गेंद फेंकें, एक और इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है रनअप। ये कहलाता है रनअप। आप कैसे दौड़ते हैं बॉल फेंकने से पहले? आप पहले यहां से 5 कदम लें, वहां जाएं, बस दौड़े और फिर आए और इस तरह बोल करें। बस जैसे बैटिंग और बॉलिंग इम्पोर्टेंट होती है उसी तरह फील्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मैदान में बहुत सारे रन बचाते हैं। फील्डिंग में ध्यान रहे कि आपका शरीर हमेशा बॉल के पीछे हो। मान लो कि बॉल तुम्हारी तरफ आता है तो ध्यान रखें कि आप घुटनों के बल जाएं और फिर जब आप बॉल लेते हैं इस तरह, ताकि आपका शरीर बॉल के पीछे हो और आप उस बॉल को गुजरने से बचा लें। ओके, ये फील्डिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप बॉल कैच करते हैं तो 3 सिद्धांत हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी आंखें बॉल पर टिकी हों। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी हथेलियां जुड़ी हों। आप इसे पकड़ेंगे छाती की ऊंचाई पर। क्या एक बार ट्राई करना चाहेंगे? दुनिया की बेस्ट टीम वो है जो साथ साथ खेलती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के लिए खेलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये बात भी मन में रखें कि आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कैप्टन के रूप में आपको अपनी टीम के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनना है।
बिल्कुल फिट रहना, अपनी सभी ड्यूटीज पूरी करना, एक क्रिकेटर के रूप में परफेक्ट होना, कड़ी प्रैक्टिस करना और अच्छे से ट्रेन करना, इस बात का ध्यान रखना कि आप परफेक्ट शेप में हो टीम के कैप्टन के रूप में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके क्रिकेट के लिए ही नहीं पर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी और आपके आत्मिक जीवन में भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों से कैसे संबंध रखते हैं, उन्हें कैसे उत्साहित करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, जब आपके टीममेट्स संघर्ष कर रहे हो आप उन्हें कैसे चुनते हैं, ये सारी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके हेलो बच्चों, हाँ हाँ देखते रहिए किड्स हब और अपने मजेदार उपहार लेना ना भूलिए। बिल्कुल मुफ्त किताबें जिसका नाम है एक्सप्लोरर्स। परमेश्वर किसकी तरह है, यीशु मसीह आज भी जीवित है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है और भी बहुत सारे रोमांचक विषय। हमें सिर्फ इस पते पर लिखिए, पोस्ट बैग नंबर 2 जुबली हिल्स हैदराबाद 500033 या डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-345-4007, SMS करें JMM space KH टू 57333 या ईमेल करें kidshub@4bserve.com। ये लो, वो आ गया, वो आ गया। कंग्रेचुलेशन। आइए कप्तान साहब। कैसा रहा? कुछ ज्यादा नहीं, उन लोग ने मुझे कुछ चीजें दी है, अपने काम के बारे में समझा और मुझे टीम से मिलने का मौका भी दिया। क्या उन्होंने तुम्हें ये सब दिया? है। चलो कुछ खाते हैं। चलो बहुत पसंद आई। मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम हमारे साथ किड्स हब मैच में कप्तानी करना चाहोगे? इस बात के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मैं एक स्टेट टीम का कप्तान हूँ तो किड्स हब के साथ खेलूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। पर क्यों नहीं, क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है? हाँ, और हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस? मुझे तुम लोग के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं एक स्टेट टीम का कप्तान हूँ। बलविंदर, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम लोग तो चाहते थे कि ये चाहते कि मैं वो करूँ जो वे चाहते हैं। मैं एक स्टेट टीम का कप्तान हूँ। मगर हम किड्स हब मैच बचपन से एक साथ खेलते आ रहे हैं। वक्त बदल गया, मैं अभी ये छोटे मोटे मैच नहीं खेलता हूँ, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। कलान भैया, नीलम दीदी, इसे कहो हमारे साथ नेक्स्ट मैच खेलने। शांत हो जाओ, आराम से, इतने जोश में मत आओ। मुझे दिख रहा है तुम सब नाराज हो, पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। चलो देखते हैं कि बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है। क्या बाइबल हमें क्रिकेट के बारे में बताती है? नहीं, पर हमें ये जरूर सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहे। बलविंदर, तुम एक बढ़िया खिलाड़ी हो, पर सिर्फ बढ़िया होना काफी नहीं होता। चलो देखते हैं कि बाइबल हमें क्या कहती है। शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ आदर से पेश आए। बाइबल में से एक कहानी याद आ रही है जो यीशु ने सुनाई थी। श्रेया, क्या तुम लूक अध्याय 12 वचन 16 से 19 पढ़ोगी? हाँ। तो यीशु ने उन्हें ये कहानी सुनाई। एक अमीर आदमी ने ढेर सारा अनाज उगाया
किसान अपने खेतों को देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी फसलें लहलहा रही थी। उसने कड़ी मेहनत जो की थी और अपने खेत को हमलावरों से बचाया था, दिन रात उसकी हिफाजत की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि खूब फसल हुई, खूब अनाज उपजा। लेकिन जब उसने अपनी फसल काटनी शुरू की तब वो बहुत हैरान हुआ कि वो इतनी ज्यादा फसल आखिर रखेगा कहाँ, क्योंकि उसके पास जो गोदाम है वो तो बहुत छोटे और पुराने हैं। तब उसने सोचा कि अब मैं अपने पुराने गोदामों को ढाकर नए गोदाम बनाऊंगा ताकि भविष्य के लिए अनाज संजो कर रख सकूं। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने सोचा मेरे नए गोदाम बनते ही मैं मजे की जिंदगी जीऊंगा और जब गोदाम बड़े हो जाएंगे तब उन गोदामों में अनाज भरा रहेगा। उससे मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, छुट्टियां मनाने जाऊंगा और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी कुछ गलत कर रहा था? नहीं, या शायद मुझे नहीं लगता वह ठीक नहीं कर रहा था। अब इससे क्रिकेट का क्या संबंध है? उस आदमी के पास बहुत सारा अनाज था, उसमें क्या बुराई थी? इसमें बुराई तो कुछ नहीं है, मगर हम ऐसी चीजों के साथ अक्सर अपने स्वभाव में गलत होते हैं। बाइबल में लिखा है कि उस आदमी ने सोचा उसके पास सब कुछ है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, पर अगर आप आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है अगर आप परमेश्वर की ओर अमीर ना हो। मेरे दोस्त ना हो तो मैं अपनी खुशी या गम बांट नहीं सकता और ना कि खेल मस्ती कर सकता हूँ। जीवन में मुझे दोस्त चाहिए क्योंकि वो मेरी रक्षा करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे दोस्त मेरी भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं। मैं अपने जीवन में अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता के लिए दोस्त चाहिए। खेलने के लिए, गप मारने के लिए, पढ़ने के लिए और एक साथ घूमने के लिए हमें दोस्त चाहिए। दोस्तों के बिना अच्छा नहीं लगता। हम दोस्तों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे एक दोस्त चाहिए क्योंकि जो बातें मैं अपने माता पिता से नहीं कर पाती वो उसी से बांट सकती हूँ। मुझे दोस्त दोस्ती करने के लिए चाहिए, बोर लगे तो बात करने के लिए। मुझे दोस्त मस्ती करने के लिए चाहिए, मुझे दोस्त पढ़ने के लिए चाहिए, मुझे दोस्त खेलने के लिए चाहिए, मुझे दोस्त मदद करने के लिए चाहिए। कलाम भैया। अरे बलविंदर, किसी की भी तरफदारी ना करने के लिए शुक्रिया, सब मेरे खिलाफ थे। वो सब ठीक है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा जोश में आ गया था क्योंकि मैंने कुछ हासिल कर लिया था। मैंने बहुत मेहनत की वो जगह तक पहुंचने के लिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर जब सब कुछ आसान हो जाता है तो अपने आप को आगे रखना और दूसरों को नकारना आसान हो जाता है, और हम सबको तुझ पे नाज है। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कोई बात नहीं, तुम इस स्थिति को बदल सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यही करोगे। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। तुम इस स्थिति को बदल सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यही करोगे, और हम सबको तुझ पे नाज है।
हम सब से होती है। हम सब भी बेवकूफिया करते हैं बिना सोचे समझे। जब ऐसा होता है तो इससे कई लोगों को दुख पहुंचता है, लेकिन अगर हम सब कुछ ठीक करना चाहे तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। सलाम भैया, क्या आपको याद है कि मैंने फ्रिज का दरवाजा आपके हाथ पर कितने जोर से मारा था? हाँ, मुझे याद है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं माफी मांगना मुश्किल होता है। कोई भी नहीं मानता कि उनसे गलती हुई है, मगर जब तुम माफी मांगोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें एहसास हुआ है और तुम स्थिति को ठीक करना चाहते हो। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, मैं जानता हूँ गलती से हो गया। मगर अक्सर सॉरी कहने के बाद माहौल ठीक हो जाता है और दोनों बहुत जल्दी अच्छा महसूस करने लगते हैं। सचमुच शुक्रिया, मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था। ये बहुत जरूरी है कि माफी सिर्फ शब्द ना हो और ध्यान रखा जाए कि आगे वही गलती दोबारा ना हो। मैं सच में आपका आभारी हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। अगर गुस्से में काबू खोकर किसी का दिल दुखाया है तो पहले गुस्से पर काबू पाना सीखना जरूरी है। मैंने तुम्हें फिर से चोट पहुंचा दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, बस और चोट पहुंचा दी। सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, पर आप उस आदमी के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ ताकि उसे लगे कि आप उसका ख्याल रखते हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ, मैं अभी फ्रिज से लेकर आता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा, मुझे माफ कर दो। ये जरूरी है कि आप दिल से माफी मांगे और कोशिश करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। हेलो बच्चों, हाँ हाँ देखते रहिए किड्स हब और अपने मजेदार उपहार लेना ना भूलिए। बिल्कुल मुफ्त किताबें जिसका नाम है एक्सप्लोरर्स। परमेश्वर किसकी तरह है? यीशु मसीह आज भी जीवित है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और भी बहुत सारे रोमांचक विषय, हमें सिर्फ इस पते पर लिखिए। पोस्ट बैग नंबर 2, जुबली हिल्स, हैदराबाद 500033, या डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-345-4007। SMS करें JMM space KH to 57333 या ईमेल करें kidshub@4bserve.com। La 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 बलविंदर, हमें माफ कर दो, हम थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गए थे जब तुमने हमसे कहा कि तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खेलो, पर अगर तुम खेलना चाहते हो तो। थैंक्स, मुझे अपने कप्तानी की प्रैक्टिस भी करनी है। ओ, तो इसका मतलब है कि अब मुझे कप्तानी नहीं करनी पड़ेगी। थैंक्स बलविंदर, तुम हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो गए हो। उस कहानी के स्वार्थी आदमी की तरह न होकर बाकियों को सिखाओ। सच्ची में? हाँ, वो आदमी अमीर और खुश था, पर सिर्फ अपनी नजर में, परमेश्वर की नजर में नहीं। चलो देखते हैं कि बाइबल हमें क्या कहती है। अब उस किसान ने अपने पुराने गोदामों को ढाना शुरू कर दिया और बस फिर क्या था, वो दिन रात बस इसी काम में जुटा हुआ था ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी मजे से बिता सके। अब पुराने गोदाम ढहते गए और नए गोदाम बनते गए और इसे लेकर वो इतना खुश और उत्साहित था कि उसने अलाव जलाया और अकेले ही दावत की। खाओ पियो और ऐश करो, अब कल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका ये अभिमान देखा और कहा, हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा, फिर वो किसको मिलेगा?
जो तूने अपने लिए तैयार कर रखा है। ऐसा ही होगा हर एक के लिए जो अपने लिए चीजें जमा करके रखता है, लेकिन परमेश्वर की ओर वो धनी नहीं है। सारे देश के किड्स हब के बच्चे इस कहानी को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। मेरे पास सारी धन संपत्ति रहने पर भी यदि यीशु न हो तो मैं कंगाल हूँ। यदि परमेश्वर हमारे साथ हो तो हम हर तरह से आशीषित हो सकते हैं, जैसे कि हमारी पढ़ाई में, और हम हमेशा अच्छा कार्य करना चाहेंगे। मुझे किसी भी चीज के लिए भय या चिंता नहीं जब यीशु मेरे साथ है। धनी व्यक्ति उसके जीवन में सब कुछ पा सकता है, पर ये नहीं जानता था कि मरने के बाद साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। धनी आदमी लालची था और वो हमेशा खुद के बारे में सोचता था, परमेश्वर के बारे में कभी नहीं। चाहे हम कितने ही योग्य और निपुण क्यों ना हो, मुझे प्रति कदम और कार्य में परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर में धनी होने का अर्थ यह है कि उस पर विश्वास करते हुए चले। मैं परमेश्वर को प्रथम प्राथमिकता देना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है। हर एक को यीशु की जरूरत है, और हमें ये याद रखना है कि हम उन्हें सबसे पहले रखें, ना कि खुद को। और मैं अपने टिफिन पर इसे लगाऊंगी, परमेश्वर ने मुझे दिया है। जब सुबह उठकर मैं इसे पढ़ूंगी तो मैं उन पांच चीजों को याद करूंगी क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दी है। और आज से मैं सबसे माफी मांगूंगा। सॉरी। हम लोगों ने बाइबल के अध्याय को याद करने का तरीका सोचा है। तुम्हारा दिन वही रहेगा जहाँ तुम्हारा खजाना है। मैं उन तोहफों का इस्तेमाल करूंगा जो यीशु ने मुझे सबकी भलाई के लिए दिया, ना कि अपनी। मैं परमेश्वर सब स्टिकी नोट्स पे लिखूंगा और उन्हें मेरे सबसे फेवरेट चीजों पे चिपका दूंगा, ताकि मैं ये याद रख सकूं कि ये चीजें मुझे परमेश्वर ने दी है, पर मुझे इन्हें संभाल के इस्तेमाल करना होगा। हम उन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम फिर मिलेंगे किड्स हब में।